सो वी शैल नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन का समय आप लोग देख सकते हैं, राइट? तो डीएफजी मैन्युफैक्चर्स लेदर बैग्स फॉर ऑफिस एंड स्कूल पर्पस. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग्स फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. मतलब एक महीने का डिटेल दिया हुआ है. दे हैव गिवन अस डिटेल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. लेदर बैग बनाने के लिए लेदर शीट और कॉटन क्लोथ्स चाहिए. 2 मीटर का लेदर शीट और 1 मीटर का कॉटन क्लोथ. तो 2000 मीटर लेदर शीट खरीदा गया, मतलब 1000 बैग मैन्युफैक्चर होगा और 1000 मीटर कॉटन क्लोथ खरीदा गया, तो इसका मतलब 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर होगा. तो सबसे पहले यही समझ में आ रहा है कि हमारा प्रोडक्शन कितना है. 1000 बैग्स, ठीक है. ठीक है, फ्रेट पेड ऑन परचेज दिया हुआ है. स्टिचिंग कॉस्ट दे दिया, अदर डायरेक्ट कॉस्ट दे दिया, मशीन का कॉस्ट दे दिया, उसका डेप्रिसिएशन का तरीका बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल्स ऑफिस स्टाफ दे दिया, जगह का भाड़ा दे दिया, उसमें ऑफिस भी है, फैक्ट्री भी है, सेल्स भी है, सेल्स ऑफिस भी है, तीनों ऑफिस है. फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी होगा, सेलिंग ओवरहेड. 35 kg ऑफ दी तो लेदर एंड कॉटन कटिंग्स, मतलब वो जो काट के जो साइड में जो शर्ट जब बनाते हैं, बैग जब बनाते हैं, तो एक आउटर कटिंग निकलता है, तो उसको लोग स्क्रैप के भाव में बेचा 150 रुपये पर kg में. 35 kg का स्क्रैप निकला है. कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है इनपुट का, और 100 क्लोजिंग स्टॉक है बैग्स का. Prepare a cost sheet following functional classification. Functional classification मतलब material labor overhead, ठीक है. आइए, बहुत सिंपल है. सो अपने बनाएंगे cost sheet for the month of September 2019. राइट, डायरेक्ट मटेरियल में यू हैव लेदर शीट्स 320,000 की, यू हैव कॉटन क्लोथ्स 3,000, ठीक है. इज दैट फाइन? देन यू हैव डायरेक्ट लेबर. कैरेज इनवर्ड को आप डायरेक्ट मेटल कंज्यूम में दिखाएंगे. डायरेक्ट लेबर बोला है 2000 घंटा और 80 रुपया घंटा, दैट कम्स टू 160. डायरेक्ट एक्सपेंस भी वही है, 2000 घंटा लेकिन 10 रुपया करके रेट है. ठीक है, तो मेरे को मिल गया 3,000 प्राइम कॉस्ट. फाइव टू थ्री फाइव डबल ज़ीरो प्लस फैक्ट्री ओवरहेड
एक तो डेप्रिसिएशन आएगा, हाँ या ना? तो चारों मशीन का कॉस्ट है 22 लाख, 90% डेप्रिसिएबल वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 एनुअल, फिर इनटू 1/12 करेंगे तो मंथली आएगा। करो 22 लाख का 90% डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 12, 16,500। ठीक है, तो 16,500। नेक्स्ट वी हैव फैक्ट्री रेंट, 1,20,000 मंथली है, टोटल में 2,400 स्क्वायर फीट है। ठीक है, उसमें से लिखा है 240 एंड 200, मतलब 240 एडमिनिस्ट्रेटिव, 200 इज सेलिंग, सो 440 स्क्वायर फीट चला गया, तो बचा कितना? 1,960 स्क्वायर फीट। तो 1,20,000 अगर 2,400 स्क्वायर फीट का है तो 1,960, 9,800, 98,000, सॉरी। ठीक है, 1,14,500 लेस सेल ऑफ स्क्रैप, 35 kg माल निकला है 150 रुपया केजी करके, सो दिस इज माई वर्क्स कॉस्ट। सिक्स थ्री टू सेवन फाइव जीरो अभी फंक्शन वाइज बोला है ना, तो अपने को एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मान लेंगे कि हमारा सेलिंग रिलेटेड है, राइट? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वी विल अज्यूम कि इट इज सेल्स रिलेटेड, तो वो अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में लेंगे। अगर वो प्रोडक्शन रिलेटेड होता तो अपने उसको ऊपर ले लेते, राइट? सो दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, सिक्स थ्री टू सेवन फाइव जीरो अगर 1,000 का है तो 100 का कितना होगा? 63275। तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें मैं जोड़ दूंगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड खर्चा, ऑफिस एंड
सेल्स रिलेटेड ओवरहेड, तो पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में मेरा स्टाफ कॉस्ट आएगा और रेंट आएगा, बताइए स्टाफ कॉस्ट कितना है? फोर्टी 45,000, रेंट आएगा 1,20, 2,400 स्क्वायर फीट का है तो 240 का कितना आएगा? सो दैट कम्स 257। सेलिंग ओवरहेड में भी वी हैव स्टाफ कॉस्ट दैट इज 72,000, वी हैव रेंट 1,00,000, बीस हजार 2,400 का है तो 200 का कितना होगा? राइट, एंड देन वी हैव डिलीवरी, लिख दिया क्वेश्चन में 18,000 का डिलीवरी है, सो दैट कम्स टू 1,00,000। राइट, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है तो जो भी आ रहा है उसमें प्लस कर देंगे 157, तो ये है 726,475, एकदम सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है उधर? यू वेरी गुड, ये मेरा रॉ मटेरियल आ गया, दो टाइप का रॉ मटेरियल है, उसमें फ्रेट ऐड कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, डायरेक्ट लेबर आवर इनटू रेट, डायरेक्ट एक्सपेंस आवर इनटू रेट, फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर दिया, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया, हमारा सीओजीएस आ गया, फंक्शन वाइज बोला है तो वी हैव अज्यूम दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हैज प्रोवाइडेड सर्विस टू द सेलिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, सो लाइक दिस वी विल प्रिपेयर इट, राइट। नेक्स्ट वी हैव आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है। वाओ, नॉन इंटीग्रेटेड, वेरी गुड, तो नॉन इंटीग्रेटेड का तो क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, सीधा फटाफट बना देंगे। कॉस्ट लेजर कंट्रोल बनाने वाला, स्टोर लेजर, WIP, फिनिश गुड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेजेस कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ट्रायल बैलेंस। वाओ, ठीक है, सो कॉस्ट लेजर मतलब नॉन इंटीग्रेटेड है, ठीक है, सो हम लोगों को बनाना क्या क्या है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल,
स्टोर लेजर कंट्रोल WIP control, finished goods control. Manufacturing overhead control. Wages control, last but not the least, cost of sales. ठीक है, is that fine? डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, ये तो बेसिक, इतना तो आपको फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा, भले ही आप प्रॉपर स्केल पेंसिल से बनाए ना बनाए, और मेक श्योर दैट यू मेंटेन एक के बाद एक, राइट right? आइए, इसमें क्वेश्चन पढ़ने का दरकार नहीं पड़ता है, सीधा अपने बैठाते हैं. स्टोर लेजर का डेबिट बैलेंस है 15 लाख, तो सीधा डेबिट बैलेंस 15 लाख. WIP का 7.5 लाख, WIP का 7.5 लाख, फिनिश गुड्स का 12.5 लाख, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का क्रेडिट साइड में है 75,000. इट मीन लास्ट ईयर इट वॉज ओवर रिकवरी, बट उसको अपने कैरी फॉरवर्ड किया था. और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में वी हैव 34,25,000. राइट, स्टोर में बैलेंस बैठा दिया, WIP में बैठा दिया, फिनिश गुड्स में बैठा दिया. राइट, स्टोर में बैठा दिया, WIP में बैठा दिया, फिनिश गुड्स में बैठा दिया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का क्रेडिट दिया है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल का क्रेडिट दिया हुआ है. फटाफट, इसमें सोचने का उतना है ही नहीं एकदम, जितना जल्दी हो सकेगा उससे. और इस टाइप का सब काफ़ी हम लोग देख रहे हैं. फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट 11,25,000, वाह. तो फिनिश प्रोडक्ट से चला जाएगा भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स में. वेरी गुड, यही तो सुनना था हमको. फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब इतना माल बनकर निकला है. वेरी गुड, तो WIP से जाएगा फिनिश गुड्स अकाउंट में. सुपर, तो भाई लास्ट जो अपने RTP किया था लास्ट वाला, उसमें भी ये था, और लास्ट जो पेपर हम लोग सॉल्व किया था उसमें भी था. तो यहाँ पर आएगा भाई फिनिश गुड्स कंट्रोल 8,75,000, यहाँ पे आएगा 11,25,000. ठीक है,
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड 4,25,000, तो यहाँ पे इनकर्ड डेबिट साइड में आएगा। टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल में भाई मेरे को पूरा स्कीम पता है ना, मूवमेंट आई नो प्रॉपरली, मेरे को पूरा डायग्राम मेरे बसा हुआ है। मनू में आता है और कॉस्ट लेजर कंट्रोल क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे डेबिट वहाँ पे क्रेडिट। नेक्स्ट वी हैव रॉ मटेरियल परचेज्ड, स्टोर में आएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल क्रेडिट होगा 6,25,000, तो स्टोर में आएगा यहाँ पे लिखेंगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल में लिखेंगे बाई स्टोर लेजर 6,25,000। फैक्ट्री वेजेस 200, इनडायरेक्ट लेबर 1,00,000, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के 3,00,000 हो गया ना। तो पहले 3,00,000 का वेजेस पे होगा, तो वेजेस कंट्रोल में आएगा डेबिट साइड, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल में आएगा बाय वेजेस कंट्रोल 3,00,000, ठीक है। अभी यहाँ से एलोकेट होगा, WIP में जाएगा फैक्ट्री वेजेस, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल में जाएगा इनडायरेक्ट वाला, तो यहाँ पे आ गया टू वेजेस कंट्रोल से इनडायरेक्ट वाला 1,00,000, तो इसका डबल पोस्टिंग हो गया, राइट। बहुत बार किया है दिस दिस थिंग, वी हैव डन मेनी टाइम्स। पहले पे होता है, उसके बाद मैंने बताया था दो एरो निकलता है, एक जाता है WIP में, एक जाता है प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट में। इज दैट फाइन? आइए, तो यहाँ पर आएगा WIP में, यहाँ पे 2,00,000 टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट से, ये यहाँ से चला गया, दोनों यहाँ पर आ गया। डन। नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट ऑफ सेल्स 8,75,000, तो फिनिश गुड्स से चला जाएगा बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स में 8,75,000, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा टू फिनिश गुड्स कंट्रोल 8,75,000। तो यहाँ से मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर हाउस से कस्टमर के पास जा रहा है, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड दिस विल बी डेबिटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। नेक्स्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, तो स्टोर से जाएगा बाई WIP में 6,75,000, और WIP में टू स्टोर लेजर 6,75,000, माल आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम स्टोर टू प्रोडक्शन, तो स्टोर क्रेडिट WIP डेबिट। सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, तो नाउ 45,000, रिवर्स एंट्री बाई फिनिश गुड्स कंट्रोल में चला गया, और फिनिश गुड्स कंट्रोल में टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 45,000। मैंने आपको इस टाइप का चीज बहुत बताया है।
सेल्स और सेल रिटर्न कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो खाली यही फर्क पड़ेगा फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अगर सेलिंग प्राइस भी दिया रहता तो सेल्स और कॉस्ट लेजर, डेटर डेटर और सेल्स अकाउंट में भी फर्क आता। इज दैट फाइन? नेक्स्ट, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर 65, तो दिस इज परचेज रिटर्न, तो स्टोर से माल वापस हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कॉस्ट लेजर कंट्रोल 65, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल में लिखेंगे टू स्टोर लेजर परचेस का ठीक ऑपोजिट। इज दैट फाइन? आपको समझ में आ रहा है पीछे? ठीक है, एकदम अच्छे से करना है, इसमें मैं कोई जोक क्रैक नहीं कर सकता यहाँ पे बैठ के। अरे तो बोरिंग लग रहा है तो मैं क्या करूँ, समझने की कोशिश करिए। बहुत ही कुशल चीज चल रहा है, किया हुआ है ठीक है, लेकिन कराना है ना मेरे को। आपका हो गया? आपका वेरी गुड, ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, सुपर। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, तो ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग से निकलेगा बाय WIP कंट्रोल में 425, और यहाँ पे WIP मेगा टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल 425। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप क्वेश्चन में देखने लायक कुछ भी नहीं, आ जाइए। वेजेस तो टैली हो गया राइट, मैंने आपको बताया था यूजुअली यहाँ पे सेल्स आएगा प्रॉफिट आएगा, तो हमारे पास सेल्स फिगर है नहीं, तो अपने क्या करेंगे इसी को एक बार टेम्पोररी बैलेंस कर लेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल को। ठीक है, कितना आएगा? यूजुअली कॉस्ट लेजर कंट्रोल में भी सेल्स आना बाकी है और प्रॉफिट आता है कॉस्टिंग पेल से, बट दोनों अकाउंट ही नहीं खोला गया है, तो यही वाला जो बैलेंस आ रहा है इसी को लेके चलो आगे बढ़ो। 34,25,000 प्लस 4,25,000 प्लस 6,25,000 प्लस 3,00,000 माइनस 65,000, तो 47,10,000 जो आ रहा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, स्टोर का तो नॉर्मल बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग भी है, परचेज भी है, कंजम्पशन भी है, रिटर्न भी है, सब कुछ है। WIP में सारा इंग्रेडिएंट्स आ गया, कंप्लीटेड वाला आ गया, तो ये क्लोजिंग WIP आ जाएगा। में भी सब कुछ दिया हुआ है, साढ़े 12,00,000
बोलिए, वो स्टाफ को दे दीजिए ऑफिस में। शनिवार को मिलेगा सर, शनिवार को आएंगे। ठीक है, 15,45,000। नाउ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में यू हैव अंडर रिकवरी, उसको एक बार कैरी फॉरवर्ड करो, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। 25,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स, 8,30,000। सो यू हैव दिस 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 दिस। ठीक है, इज दैट फाइन? नाउ सारे लेजर का बैलेंसेस लिखना है हम लोगों को। कॉस्ट ऑफ सेल्स 8,30,000, ये 25,000, फिनिश गुड्स 15,45,000, 9,25,000, ये 9,25,000, ये 15,45,000, चेक करो। थर्टीन एट्टी फाइव, 9,25,000, 15,45,000, फोर्टी सेवन लैख टेन थाउजेंड। कुछ नहीं करना है, सीधा एंट्री करना है। डबल पोस्टिंग, यू हैव टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर पोस्टेड ट्वाइस इन बोथ द अकाउंट्स। हाँ, इजी है, इसी टाइप का आता है। It comes for 10 marks.
ठीक है. सो नाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 7. पढ़िए. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए. पढ़ लिया आप लोगों ने. तो इस टाइप का सम हम लोगों ने किया है. हमारा बुक में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है. नाउ क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि एक साल का आपको एक्चुअल दिया है और आने वाला 6 महीने का एस्टिमेटेड दिया हुआ है. तो क्योंकि और टोटल कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में 1.5 साल का अनुमान लगाया गया. एक साल हो गया है और 6 महीना और खर्चा क्या क्या लगेगा उसके साथ बता दिया है. बोला एक तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए, ठीक है. उसके बाद प्रॉफिट भी एस्टीमेट करने बोला है, एस्टीमेटेड प्रॉफिट निकालने बोला है, राइट. तो जीवीएल लिमिटेड कमेंस से कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2018 द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 1 करोड़ 8 लाख 50 हज़ार. नाउ ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको एस्टीमेटेड प्रॉफिट मेथड, बट अभी सब उठ के आया. अभी आपको खाली नोशनल प्रॉफिट डिस्क्लोज कर देना है, थर्ड पार्ट अपने नहीं करेंगे. तो ये जो पैराग्राफ दिया दिस इज प्योरली बिलोंगिंग टू द थर्ड पार्ट. एस्टिमेटेड प्रॉफिट अलग से वर्किंग नोट में निकाल कर अपने उसको परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड देन परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड करते हैं, ठीक है. तो 18-19 का मटेरियल इश्यूड, लेबर पेड आउटस्टैंडिंग, प्लांट परचेज एक्सपेंस पेड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, प्लांट रिटर्न टू स्टोर. यहाँ पर रिटर्न टू स्टोर नहीं बोला तो मानेंगे एंड ऑफ द ईयर रिटर्न हो चुका है. मटेरियल एट साइट मतलब क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड कैश रिसीव ब्ला ब्ला ब्ला, डेप्रिसिएशन 20% WDV, कॉन्ट्रैक्ट इज लाइकली टू ला हैज बीन कंप्लीटेड नेक्स्ट ईयर सेप्टेम्बर में कंप्लीट हो जाएगा.
आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, फिर प्रॉफिट भी एस्टिमेट करना है। तो अपने पहले क्या करते हैं, पहले अपने करेंट ईयर का सारा खर्चा देखते हैं, इग्नोरिंग एंटीसिपेटेड, मतलब जो फ्यूचर कॉस्ट है, राइट। फिर अपने नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं। थर्ड पार्ट के लिए अपने को एस्टिमेटेड प्रॉफिट चाहिए, राइट। देन वी डू दोनों साल का टुगेदर। तो उसमें बीच वाला जो एडजस्टमेंट होता है उसको अपने इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज अगर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में माइनस होगा, ऐसा लॉजिक मैंने आपको दिया था। तो सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा हूँ 18-19 का, खाली करेंट ईयर का बनाने बोला है। राइट टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना, 18,24,000, उसमें से 1,20,000 का माल बच गया है। ₹17,04,000, टू डायरेक्ट लेबर पेड है 12,20,000 प्लस 96,000, 13,16,000। टू प्लांट परचेज नहीं आएगा, प्लांट का डेप्रिसिएशन है, देखते हैं। टू एक्सपेंसेस 4,00,000 है माइनस प्रीपेड, टू डेप्रिसिएशन। अभी इस साल तो पूरा 9,00,000 का 20% होगा ना, क्योंकि जो 3,00,000 का आपने रिटर्न किया वो कब किया, 3,00,000 का जो आपने रिटर्न किया वो कब किया, एंड ऑफ द ईयर किया, तो मतलब उसको भी पूरा साल यूज किया और बाकी को भी पूरा साल यूज किया है, तो पूरा 9,00,000 का 20% होगा, दैट कम्स टू 1,80,000 हो गया। तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, बोलो भैया, ठीक है। तो बाई वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों दिया हुआ है। सर्टिफाइड कितना है, 51,00,000, अनसर्टिफाइड है 160,000। तो ऑटोमेटिकली हमारा आ गया नोशनल प्रॉफिट 17,50,000।
ठीक है। ठीक है, अभी अपने को इसका थर्ड पार्ट करना नहीं है, राइट। लेकिन पार्ट टू में अपने को एक अलग से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का पार्ट टू कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल के बताइए। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के मतलब कि अपने करंट कॉस्ट, कॉस्ट इनकर टिल डेट में फर्दर कॉस्ट ऐड करते हैं, या अपने डायरेक्टली अपने को एक्चुअल 1 साल का और आने वाले 6 महीने का पता है एंटिसिपेटेड, तो अपने क्या करेंगे पूरे 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, राइट। सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड 1/4/18 से लेके 30 सितंबर 19, टू डायरेक्ट मटेरियल, अठारह लाख चौबीस प्लस 32,56,000 दोनों ऐड कर लो। अच्छा, बीच में जो मटेरियल एट साइट है ना 18-19 का, उसको नहीं लेंगे क्योंकि ये इस साल का क्लोजिंग, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, जो फाइनल जो एंड वाला है ना वो लेंगे -3 लाख। ठीक है, डायरेक्ट लेबर बारह लाख बीस हजार प्लस 15,20,000 और लास्ट वाला आउटस्टैंडिंग लेंगे 1.5 लाख। ट्वेंटी 8,90,000, चार लाख प्लस 7 लाख प्लस एंड वाला आउटस्टैंडिंग है 1 लाख। बीच वाला नहीं लेना, इंटरिम वाला नहीं लेना,
डेप्रिसिएशन दोनों का अलग अलग करेंगे, क्योंकि अपने को रिड्यूसिंग बैलेंस बोला है ना, राइट। तो 6 लाख वाला इस साल भी यूज हुआ है, तो 6 लाख का रिमेनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? अगर 6 लाख का 20% लास्ट ईयर, जैसे पूरा 9 लाख का 20%, उसमें 3 लाख वाला रिटर्न हो गया, 6 लाख वाला फर्द, तो 6 लाख का WDV कितना आएगा? 20% माइनस करने के बाद 480, उसको और 20% डेप्रिशिएट करना है, बट 6 महीने के लिए, क्योंकि सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जा रहा है। तो इस साल का डेप्रिसिएशन होगा 480 का 20% इंटू 6/12, ₹48,000 प्लस 1,80,000, दे आर एट 2,28,000 बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,08,50,000। ठीक है, ₹17,52,000 देख लीजिए, ठीक है, राइट। तो ये हम लोगों को अलग से पूछा था, तो हम लोग पार्ट टू है, ये पार्ट वन है हमारा और ये हमारा पार्ट टू है। बीच वाला जब भी आप 2 साल को अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं, 2 साल 1.5 साल को, तो बीच में जो आपका एडजस्टमेंट, उन सबको इग्नोर कर देते हैं। हाँ ठीक है, आइए। तो ये था नंबर 7, अब जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे अब हम लोग। बैच कॉस्टिंग का समय देख के समझ में आ रहा है, कंपनी मैन्युफैक्चर ग्लास बॉटल्स फॉर HDL लिमिटेड, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी विच इज इन आयुर्वेदिक मेडिसिन बिजनेस। ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन बिजनेस में है ये लोग। उसके बाद लिखा है BTL कैन प्रोड्यूस, राइट,
मतलब कंपनी के लिए बोल रहा है, BTL कैन प्रोड्यूस 2 लाख बॉटल्स इन अ मंथ, द कंपनी कैन प्रोड्यूस 2 लाख बॉटल्स इन अ मंथ, सेटअप कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन रन इज 5,200, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट 1.5 रुपया, एज पर एन एस्टिमेट कैन ऑर्डर एज मच एज 19 लाख बॉटल्स इन अ ईयर स्प्रेडिंग इवनली थ्रू आउट द ईयर, तो 19 लाख डिमांड है एनुअल डिमांड, और हर महीने हम 2 लाख के हिसाब से मोटा मोटी एवरेज प्रोडक्शन मेरा 2 लाख है, गेटिंग माई पॉइंट, तो अभी मैं 1,60,000 बॉटल्स बनाता हूँ एक बैच में, ठीक है, तो मेरे को इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पूछा है और पूछा है एनुअल कॉस्ट सेविंग्स अगर मैं EBQ को फॉलो करता हूँ, तो सबसे पहले मैं जिसके लिए बॉटल बनाता हूँ उसने मेरे को साल में 19 लाख का डिमांड दिया है, सो व्हाट इज माय ए, दैट इज एनुअल डिमांड 19 लाख बॉटल्स, एस सेटअप कॉस्ट पर बैच दैट इज 5,200, सी एच दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 1.5 रुपया, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 बॉटल फॉर अ ईयर लिखा है ना, सो नाउ सबसे पहला EBQ 2 into A into S by CH, तो 2 into 19 lakhs into 5,200 by 1.5, सॉल्व करिए, 5,200 divided by 1.5 into 2 into 19 lakh जो भी आ रहा है, वन वन फोर सेवन सेवन फाइव बॉटल्स, मतलब इन अ बैच आई शुड प्रोड्यूस दिस मच, एक बैच में मेरे को इतना प्रोडक्शन करना चाहिए, राइट, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करने का कोई काम नहीं है, इन अ बैच आई शुड प्रोड्यूस दिस मच, ठीक है, एक बैच में मेरा 1,14775 बॉटल्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला है, अभी कंपनी का पॉलिसी है, कंपनीज पॉलिसी और एज पर EBQ टोटल सेटअप कॉस्ट
तो 19 लाख डिवाइडेड बाय 160 इंटू 5200, दैट इज 12 इंटू 5200 इक्वल्स टू 62,400 एंड ये होगा 160 बाई 2 इंटू डेढ़ क्यू बाई 2 इंटू सी एच, ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना अपने को क्योंकि पार्ट में तो होगा नहीं ना, इसलिए अपने फुल लेंगे। तो ये आएगा सॉरी इधर में आएगा 19 लाख डिवाइडेड बाई 114,775 इंटू 5200, दैट इज ये कितना मानता है ये लोग 19 लाख डिवाइडेड बाई 114,775 16.5 मतलब 17 इंटू 5200 88,400 टोटल होल्डिंग कॉस्ट कोरियर आचे किचू ठीक है। तो पहले 182,400 ये और ये, अभी ये और ये 88,400 प्लस 86,081 174,481 सो यू हैव एनुअल सेविंग्स 182,400 7919 ठीक है। सो इस तरीके से करना है हम लोगों को। तो कंपनी को HDL से 19 लाख बॉटल का ऑर्डर मिलता है, उसके हिसाब से वो 2 लाख तक प्रोडक्शन कर सकता है इन अ बैच, बट राइट नाउ ही इज डूइंग 160, तो एज पर EBQ इट इज 114,775। राइट। सो कंपनी का पॉलिसी 160 के हिसाब से, तो उसमें 12 बैच बनाना पड़ेगा, इनटू 5200 आ जाएगा मेरा सेटअप कॉस्ट। 160 का होल्डिंग कॉस्ट एवरेज इज 80, उसका आ जाएगा 120, टोटल अप्स टू 182,400 और एज पर EBQ इट इज कमिंग टू 174,481, सो आई हैव एन सेविंग्स ऑफ 7919।
ठीक है, बहुत इजी सम से इसी टाइप का एनालिसिस वाला सम आएगा, सेम एज ईओक्यू मॉडल, सेम एज ईओक्यू मॉडल, ठीक है।